दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान की फिल्मों में हमें एक सीन हमेशा देखने को मिलता है कि भाई अचानक ही हवाओं के झोंके से उनके बदन पर लिपटा हुआ उनका जो शर्ट होता है उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, और उसके बाद भैया हमें दबंग खान का मस्कुलर बॉडी देखने को मिलता है। और भाई इस मस्कुलर बॉडी को देखने के बाद दबंग खान के दीवाने ये बात कहते हुए नहीं थकते हैं कि भाई अपने भाईजान जो है वो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए भाई लगातार वर्कआउट करते रहते हैं। यानी कि भैया एक तरफ दबंग खान के दीवाने दबंग खान की बॉडी को देखकर उनके फिटनेस को देखकर खुशी से झूम उठते हैं कि भैया दूसरी तरफ भैया दबंग खान के जो आलोचक हैं जिन्हें भैया हम लोग हिंदी में हेटर्स कहते हैं वो भाई दबंग खान के ऊपर में निशाना कसना शुरू कर देते हैं ये कहते हुए कि बे फुग्गा है बे गुब्बारे फुला फुला के बॉडी दिखा रहा है, ऐसी बॉडी इसके पास कहाँ है। आप लोगों को याद ही होगा कि जब दबंग खान की फिल्म सुल्तान सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, उसके बाद जब उनकी राधे और मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हुई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो भैया इन फिल्मों को देखने के बाद या उनके जो इंग्लिश में आलोचक जो हैं यानी कि हिंदी में जो हेटर्स हैं वो ये कहने लगे कि अरे नकली बॉडी है रे, सीजीआई किया हुआ है, सीसी किया हुआ है, ग्राफिक्स से इनका बॉडी बनाया गया है, ऐसी बॉडी इसके पास अब नहीं है, अरे ये फुग्गा है फुग्गा। तो भाई सलमान खान की बॉडी को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं उनकी बॉडी फिटनेस को देखकर जलते हुए फुग्गा फुग्गा कहते हैं ना, आज उनके मुंह पर एक प्यार भरा चपत लगाया है बॉलीवुड के दबंग खान ने अपने शानदार जानदार बॉडी फिटनेस को दिखाकर। भाई जैसे ही दबंग खान ने ये फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला कि भैया उसको देखते ही उनके चाहने वाले लगातार उनको लेकर ये बातें कहने लगे कि भैया इस वक्त पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई आइकॉन है ना भैया बॉडी फिटनेस के लिए तो भाई वो हमारे दबंग खान है। तो दोस्तों वाकई में दबंग खान ने जो फिजिक बना रखा है ना मेरे भाई, उसको देखने के बाद तो मैं भी सोचता हूँ कि भाई इस उम्र में वो जिस तरह से अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, जिस तरह से वो अपने बॉडी पे वर्कआउट करते हैं, वो किसी 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 प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है मेरे भाई। तो दोस्तों अब दबंग खान के जो चहेते हैं ना, जिसको भैया हम लोग हिंदी में हेटर्स कहते हैं, वो इसको देखने के बाद फिर से भिदक जाएंगे और कहने लगेंगे कि देखो सीजी सीआई और डीसी बीआई वगैरह वगैरह नाम लेकर, मतलब ग्राफिक्स वगैरह के नाम लेकर बोले कि भैया ये बॉडी जो है उसी से बनाई हुई है। एक नंबर मेरे भाई दबंग खान, वाकई में आप आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो गए भैया। आप अपने बॉडी को किस तरह से फिट रख सकते हो भैया इतनी उम्र में भी, 58 साल हो चुका है सलमान खान का, और उसके बाद भी उनका फिजिक अगर हमें ऐसा देखने को मिलेगा तो भैया हम तो यही कहेंगे कि भैया अभी तो ये जवान है मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।